संदीप बागल मोर ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इमेजिन टेक्नोलॉजी के वाटर लेवल कंट्रोलर के बारे में बताएंगे, यानी कि वाटर लेवल कंट्रोलर क्या होता है, उसे किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है और उसकी वर्किंग क्या होती है, यह सभी बातें हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं वाटर लेवल कंट्रोलर के बारे में। तो दोस्तों, ये दोनों बॉक्स जो हैं, ये दोनों बॉक्स वाटर लेवल कंट्रोलर के हैं। एक सिंगल टैंक का वाटर लेवल कंट्रोलर है, एक डुअल टैंक का वाटर लेवल कंट्रोलर है। दोनों इमेजिन टेक्नोलॉजीज़ के हैं। इसके बारे में दोस्तों मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको डिटेल में इसके पूरे फंक्शन, इसकी वर्किंग और इसका इंस्टॉलेशन हम लोग जानेंगे। तो अभी दोस्तों इसे हम रख देते हैं एक तरफ। अभी हम लोग देखते हैं ये सिंगल टैंक वाटर लेवल कंट्रोलर का। तो दोस्तों इसका मैं आपको मॉडल नंबर बता देता हूँ। इसका मॉडल नंबर है IT80WLC, ठीक है। WLC मीन्स वाटर लेवल कंट्रोलर। तो दोस्तों इसकी लिंक जो है, मैं फिर से बताना चाहूँगा आपको कि यदि ये प्रोडक्ट आपको पसंद आता है तो आपको इसके सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे डायरेक्टली हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जहाँ से आप अमेजन या फ्लिपकार्ट दोनों के लिंक हैं, आप उन पर जा कर के और इसे ख़रीद सकते हैं। बाय द वे दोस्तों, यदि आप केवल इसके बारे में जानना चाहते हैं डिटेल में, तो वो डिटेल्स भी मैं आपको दूंगा। तो आइए सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं, इसे खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके पश्चात हम इसका इंस्टॉलेशन जानेंगे, इसकी वर्किंग जानेंगे। पहले हम आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप इसका बॉक्स जो है खोलेंगे, तो सबसे पहले यहाँ मैनुअल रखा होता है। तो इस मैनुअल की दोस्तों हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वीडियो में आपको मैं पूरी इसकी वर्किंग और इसका इंस्टॉलेशन पूरा बताऊंगा। तो इसमें भी वही चीज़ें इन्होंने दिखाई हुई है कि यहाँ पर जैसे यदि मान लीजिए आपकी मोटर है जिसमें स्टार्टर नहीं लगा हुआ है, मतलब कुछ जो ऊपर वाली मोटर होती हैं जिनमें कि स्टार्टर की आवश्यकता नहीं होती, तो ऐसी मोटरों के लिए भी किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, और यदि स्टार्टर वाली मोटर है जैसे सबमर्सिबल मोटर वगैरह होती हैं तो उनमें कैसे इंस्टॉलेशन करना है, ये इन्होंने बताया हुआ है। दोनों ही मोटर के लिए दोस्तों मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो इसे हम लोग अभी अलग रख देते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं दोस्तों इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये एक इसमें देखिए, इसमें दोस्तों तीन सेंसर होते हैं, ठीक है। ये सेंसर है बेसिकली, ये दोस्तों इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। इसमें यहाँ आपको दो नट नज़र आ रहे होंगे, ये दो नट हैं, इन दोनों का क्या यूज़ है ये हम लोग कनेक्शन करते समय, इंस्टॉलेशन करते समय जानेंगे। तो इसे हम अभी अलग रख देते हैं। ये तीन सेंसर मिलेंगे आपको, ये तीन सेंसर कहाँ कहाँ लगाना है और किस तरह से इंस्टॉल करना है, इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ये सेंसर हमारे इस प्रोडक्ट के साथ मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों, ये मेन कंट्रोलिंग यूनिट है, इसकी मेन कंट्रोलर है ये, ठीक है। ये पूरा इसका PVC का बॉडी है। यहाँ पर दोस्तों इसमें स्विच बना हुआ है, जैसे मान लीजिए आप मशीन को मैनुअल मोड पर करना चाहते हैं ऑन ऑफ़, तो यहाँ मैनुअल भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ऑटोमेटिकली चाहते हैं कि मोटर ऑटोमेटिकली बंद चालू हो, तो यहाँ पर ऑटो पर भी इसे मोड पर डाल सकते हैं। दो मोड पर ये कंट्रोलर जो है ऑपरेट होता है, ऑटो मैनुअल। इसके अलावा बीच में रखेंगे तो ये ऑफ हो जाता है, किसी भी प्रकार के वर्किंग नहीं करेगा, ठीक है। जब ये मैनुअल पर होगा तो ये लेवल बताएगा कि मोटर का जो लेवल है पानी का वो कम है, मतलब कि वो एकदम नीचे लेवल पर है या वो फुल टैंक है, ये लेवल बताएगा। लेकिन मोटर आपकी हमेशा चलती रहेगी यदि मैनुअल पर आपने डाल दिया, तो मोटर को आपको मैनुअली बंद चालू करना होगा, ठीक है। ऑटो मोड पर डालने पर ये लेवल भी बताता है और मोटर को बंद चालू भी करता है। यदि टैंक भरा जाता है तो मोटर को ये बंद कर देता है, और टैंक यदि खाली हो जाता है तो ये मोटर को चालू कर देता है या ऑन कर देता है, ठीक है। तो ये कंट्रोलर है दोस्तों। आगे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो वाटर लेवल कंट्रोलर है, ये पूरा माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। तो इसमें ख़राबी होने के कम से कम चांसेस होते हैं, मतलब ये मान के चलिए कि इसमें ख़राबी बहुत ही कम संभावना है, ठीक है। क्योंकि अगर मैकेनिकल पार्ट्स जो होते हैं तो वहाँ पे ख़राबी की संभावनाएँ ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चलती हैं, तो इसीलिए इसमें ख़राबी की बहुत कम संभावना है। साथ ही साथ दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है इसकी कंपनी आपको 1 साल की वारंटी भी देती है, ठीक है। तो 1 साल तक तो आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, और उसके आगे भी ये काफ़ी कम संभावना है कि कभी ख़राब होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि वाटर लेवल कंट्रोल का आखिर यूज़ क्या है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जनरली हमारे टैंक जो हैं वह छत पर रखे हुए होते हैं।
अब ऐसी स्थिति में आपको या तो बार बार परेशान होना पड़ता है, आपको जो ओवरफ्लो पाइप है वहाँ ध्यान रखना पड़ता है कि पानी फ्लो तो नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में कई बार मोटर हमारी आधा आधा घंटा एक एक घंटा फालतू चलती रहती है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा पानी भी व्यर्थ होता है और इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट होती है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों वाटर लेवल कंट्रोलर जो है वह पानी की बचत भी करता है और आपकी इलेक्ट्रिसिटी की भी बचत भी करता है, जिससे आपका बिल कम आता है। तो इसीलिए दोस्तों यह काफ़ी उपयोगी डिवाइस है। इसमें दोस्तों देखें यहाँ पे इसका आकार जो है, यह का आकार काफ़ी ज़्यादा छोटा है। देखें आप इसको अगर मेरी हथेली से आप रेफरेंस मान करके चलें तो केवल एक हथेली के साइज का ये होता है, यानी कि इसे दोस्तों आप आसानी से कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं। स्टार्टर के साथ ही आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका वजन भी बहुत कम होता है, 400 ग्राम का ये होता है, ठीक है। अब आइए इसके बारे में हम आपको इसकी पहले वर्किंग समझा देते हैं। एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको इसकी वर्किंग समझाऊंगा, फिर इसका इंस्टॉलेशन हम लोग जानेंगे। आइए दोस्तों अब हम डायग्रामेटिकली चित्र बना करके आपको समझाते हैं कि किस तरह से स्टार्टर को इंस्टॉल करना है। इसी चित्र के माध्यम से दोस्तों आपको यह समझ में आ जाएगा कि इसकी जो वर्किंग होती है वाटर लेवल कंट्रोलर की, ये किस आधार पर वर्क करता है और किस तरह से ये टैंक फुल होने पर मोटर को ऑफ कर देता है, वो किस तरह से जब टैंक में पानी बिल्कुल नहीं होता है या वाटर लेवल बॉटम में जाने पर किस तरह से मोटर को ऑन कर देता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो कंट्रोलर होता है कंट्रोलर बनाएंगे, और दोस्तों कंट्रोलर को हम बनाने के लिए यहाँ पर एक बॉक्स टाइप का बना करके दिखा देते हैं। तो ये जो बॉक्स है ये हमारा कंट्रोलर यूनिट को दिखाएगा, दर्शा रहा है। यह जो रेक्टेंगल है यह रेक्टेंगल कंट्रोलर यूनिट को दर्शा रहा है। यहां मैं लिख देता हूं, यह है हमारा ऑटोमेटिक WLC वाटर लेवल कंट्रोलर, ठीक है। दोस्तों इसमें यहाँ ओनो मोड सिलेक्शन का स्विच होता है, ऑटो या मैनुअल का, ठीक है। इसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर देखिए दो टर्मिनल नीचे होते हैं, दो वो यहाँ पर टर्मिनल कनेक्शन के लिए रहेंगे। ये आउटपुट के यहाँ पर आउटपुट का रहेगा, ठीक है। आउटपुट का न्यूट्रल और फेज, इसे मैं दोस्तों यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ये न्यूट्रल और फेज रहता है। इसके पश्चात दो टर्मिनल इनपुट के लिए रहते हैं, जो इनपुट की सप्लाई आएगी, ठीक है। इनपुट सप्लाई के न्यूट्रल और फेज रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी न्यूट्रल और फेज लिख देता हूँ। इसके पश्चात तीन स्लॉट दोस्तों, तीन टर्मिनल रहते हैं जो सेंसर के लिए होते हैं, ठीक है। तीन सेंसर होते हैं इसमें, एक रिफरेंस का सेंसर होता है, ठीक है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर है यह तुलना करता है, कंपेयर करता है लेवल्स की। तो लेवल को कंपेयर करने के लिए दोस्तों जब भी हम किसी चीज का कंपेरिजन करते हैं तो हमारे पास एक रेफरेंस होना चाहिए, उस रेफरेंस के सापेक्ष ही हम कंपेरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेफरेंस होता है, उसके बाद ये होता है यहाँ पर G1 और B1, ठीक है। G1 होता है कि जो लेवल है वह मोटर स्टार्ट करने का लेवल आ चुका है, यानी कि पानी काफी नीचे पहुंच चुका है या बॉटम पहुंच चुका है। तो हम G1 वाला सेंसर बॉटम में प्लेस करते हैं तो कंट्रोलर समझ जाता है कि मोटर को स्टार्ट करना है। इसके पश्चात B1 जो होता है वह हाई लेवल होता है, जब मोटर को ऑफ करना हो, जब पानी B1 तक पहुंच चुका है तो मोटर जो है ऑफ हो जाती है, तो ये जो B1 सेंसर होता है। अब दोस्तों आइए हम इसके बाद आपको कनेक्शन बता देते हैं, कनेक्शन किस तरह से करना है। तो देखिए सबसे पहले मोटर के जो न्यूट्रल और फेज आएंगे, जो इनपुट के लिए मतलब कंट्रोलर के जो न्यूट्रल और फेज आएंगे, आपको सप्लाई से इसे सप्लाई देना पड़ेगी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगी। तो जो भी आपका सप्लाई का सॉकेट हो, ठीक है, तो अभी आप सॉकेट से सीधे कनेक्शन मोटर को या स्टार्टर को ना दे करके वह सप्लाई के कनेक्शन इस स्टार्टर को देंगे, स्टार्टर जिस वाटर लेवल कंट्रोलर को देंगे। तो वाटर लेवल कंट्रोलर में एक होता है फेज का टर्मिनल, जिसे मैंने रेड कलर से दर्शा दिया, और दूसरा होता है न्यूट्रल का टर्मिनल, जिसे मैं ब्लैक कलर से दर्शाऊंगा। तो ये होता है न्यूट्रल और फेज, यह हमारा सप्लाई से सीधे ही आता है कंट्रोलर में। जब हमारे पास कंट्रोलर नहीं होता था
तब हम क्या करते थे कि स्टार्टर में या मोटर में न्यूट्रल और फेज डायरेक्ट ही दे देते थे, लेकिन अब चूंकि हमारे पास कंट्रोलर है तो आप न्यूट्रल और फेज को यहाँ पर कंट्रोलर को देंगे। ठीक है, वो न्यूट्रल और फेज का सॉकेट कौन सा है, ये बीच वाले दो सॉकेट में है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। फिर इसके पश्चात दोस्तों जो ये बाएं हाथ की तरफ जो सॉकेट बने होते हैं, टर्मिनल बने होते हैं, इनसे हमारे मोटर को इनपुट जाती है। जो मोटर है, यदि मोटर मान लीजिए आप जैसे समरसेबल का यूज नहीं कर रहे हैं, आप ऊपर वाली मोटर का यूज कर रहे हैं, तो वो ऊपर वाली मोटर के लिए न्यूट्रल और फेज डायरेक्ट ही सॉकेट ये कंट्रोलर से चले जाते हैं। और यदि दोस्तों स्टार्टर है, समरसिबल मोटर है यदि, जिसमें कि स्टार्टर का यूज किया जाता है, तब आप इसे स्टार्टर में ले जाकर के जोड़ेंगे। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, टैंक बना देते हैं ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाए। ये हमारा टैंक है, तो दोस्तों इसमें जो आर्गन वाला जो सेंसर है हमारा, ये सबसे बॉटम में प्लेस होता है। ये जैसे मान लीजिए हमारा आर्गन सेंसर है ना, ये सिंबोलिकली रूप से मैं बता रहा हूँ दोस्तों। सेंसर मैंने आपको बताया कि सेंसर थोड़े अलग दिखते हैं, है ना। तो ये दोस्तों जैसे हमारा मान लीजिए जो सेंसर है, ये आर्गन सेंसर है, इसे यहाँ से तार वायर ले जाएं और इस वायर को ले जा करके ये आर्गन सेंसर में हमें जोड़ देना है। ठीक है, ये वायर का साइज दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें 1 mm² वाला वायर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली मार्केट में दोस्तों 1.5 mm² वाला तार अवेलेबल होता है, तो उसे भी आप यहाँ पर कनेक्शन दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसके पश्चात दोस्तों हमारा अगला वायर जो है वह जीवन है, जीवन सेंसर के लिए है। तो दोस्तों आप इसे यहाँ पर ध्यान रखें बातें कि जो आर्गन सेंसर होता है वो सबसे बॉटम में प्लेस किया जाता है, और उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर हमें जीवन को इंस्टॉल करना होता है। यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा ऊपर जीवन को इंस्टॉल करना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यदि जीवन को आप ज्यादा ऊपर इंस्टॉल कर देंगे तो जीवन पर ही मोटर जो है ऑफ हो जाती है, इसीलिए हमें जीवन पर ही मोटर जो है, मतलब टैंक जो है इतना काफी छत्ती मोटर जो है बार बार ऑन ऑफ होगी। अगर आप जीवन को बहुत नीचे इंस्टॉल करेंगे तो पानी उतने लेवल तक पहले नीचे जाएगा, उसके बाद ही मोटर स्टार्ट होगी। तो काफी जल्दी 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 मोटर को ऑन ऑफ होने से बचाने के लिए हम इसे जीवन को बॉटम में लगभग बहुत नीचे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जीवन को हम इंस्टॉल करेंगे, ये हमारा हो गया जीवन, ये जीवन हमारा हो गया। इसके पश्चात जीवन सेंसर के बाद हमारा अगला जो सेंसर होता है वह होता है बीवन सेंसर, और बीवन सेंसर जो होता है मोटर को इस ऑफ करने के लिए होता है। तो इसे हम टॉप पर, जहां भी हमारा टैंक का जो टॉप है, इस टैंक के टॉप पर इसे हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा बीवन सेंसर। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो सेंसर है आर्गन, जीवन और बीवन, इन्हें किस तरह से इंस्टॉल करना है वह भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, यह तो हमने थ्योरी जाना, थ्योरेटिकली कि किस तरह से इसकी वर्किंग होती है। दोस्तों देखिए, इधर मोटर को हम सबसे पहले डायरेक्ट यहाँ से सप्लाई दे रहे थे, ये ऊपर वाली मोटर है, इसे डायरेक्ट ही ऑन ऑफ स्विच के द्वारा मैनुअली हम लोग कंट्रोल कर रहे थे। अब चूंकि हमें इसे कंट्रोलर से ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करना है, तो इसलिए हम सप्लाई इसे सॉकेट से ना दे करके जो मोटर की सप्लाई है वो ये जो आउटपुट लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये कंट्रोलर का आउटपुट है लेकिन ये मोटर के लिए इनपुट है, तो ये आउटपुट जो है ये मोटर में जाएगी। यहाँ सॉकेट बने हुए हैं न्यूट्रल और फेज का, तो आप यहाँ पर न्यूट्रल और फेज को जोड़ दें। नीचे इसमें स्लॉट दिए होते हैं, यहाँ से इसमें स्लॉट दिए होते हैं, जैसे MCV में नीचे टर्मिनल के लिए होता है उसी तरह से है। इसे बिल्कुल भी लूज ना रखें क्योंकि इसमें स्पार्किंग हो सकती है। बगल वाला ही टर्मिनल फेज का है, अब इसके पश्चात दोस्तों हम यहाँ पर इस कंट्रोलर को इनपुट देना पड़ेगा जो सप्लाई से आती है। तो इसके लिए एक तरफ आप ये 2 पिन टॉप लगा सकते हैं जो कि यहाँ पर हम लोग इसके सप्लाई देंगे। तो यहाँ पर हम मोटर को इनपुट देने के लिए
इसे तार को थोड़ा सा अच्छे से पहले आप आपस में से स्ट्रेंड कर लें। दोनों तरफ से इसे हम अच्छी तरह से स्ट्रेंड कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं आपस में। ये दो टर्मिनल जो हैं ये मोटर के, ये इस कंट्रोलर के इनपुट हैं। इधर वाले में दोस्तों ये जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे न्यूट्रल से हमने कनेक्ट कर दिया। अगला टर्मिनल जो है इसे हम लोग फेस से कनेक्ट कर देते हैं। तो इन्हें आप बिल्कुल लूज ना रखें, ठीक है, ये अच्छी तरह से टाइट हो जाने चाहिए। अब ये वाला टर्मिनल जो है दोस्तों, ये दूसरा वाला, इसे हम लोग यहाँ से फेस दे देंगे। तो सबसे पहले पूरे कनेक्शन कर लें, और कनेक्शन करने के बाद ही जब पूरे कनेक्शन हो जाते हैं उसके पश्चात ही इसे सप्लाई दें। तो दोस्तों तीन टर्मिनल हमारे, अब जो ये तीन वायर सेंसर में जाएंगे, यहाँ से R1, G1 और B1 के लिए सेंसर जाएंगे। इसके लिए आप कलर कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीन वायर हम लोग अलग अलग कलर के यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक ब्लैक कलर का वायर है, एक ग्रीन कलर का है और रेड कलर का। तो जो R1 लिखा हुआ है वहाँ पर रेड कलर वाला आप लोग यूज़ जो है वायर या सेंसर के लिए तार लगा दें। ये सेंसर R1 है, इसके पश्चात जो ग्रीन वाला सेंसर है जो कि हमारा बॉटम लेवल या मोटर को स्टार्ट होने के लिए जो सेंसर लगा हुआ होता है उसको तीसरे नंबर पे लगाना, बीच वाले नंबर पे लगाना है। इसके पश्चात दोस्तों सबसे आखिरी में जो ब्लैक कलर का सेंसर होता है, B1 सेंसर होता है, जहाँ पर जो मोटर को बंद करने के लिए जो सेंसर लगा होता है उसे सबसे आखिरी में लगाया जाता है, और टिंक में ये सेंसर सबसे ऊपर रहता है, ठीक है। तो दोस्तों इसके जो कनेक्शन है कंट्रोलर के पूरे तारों के साथ कनेक्शन कर लिए हैं, इसे कंट्रोलर को सप्लाई दे दी है, मोटर में कंट्रोलर को सप्लाई दे चुके हैं, उसका मोटर के लिए हमने इनपुट के कनेक्शन कर लिए हैं, साथ ही साथ जो तीन सेंसर हैं R1 G1 B1 इनके कनेक्शन हम लोग कर चुके हैं। अब दोस्तों हमें टैंक में सेंसरों को इंस्टॉल करना है, तो टैंक में सेंसर किस तरह से इंस्टॉल किए जाएंगे और ये तीनों वायर जो हैं R1 G1 और V1 इन्हें किस तरह सेंसर में जोड़ा जाएगा यह आपको बताते हैं। दोस्तों देखिए ये तीन सेंसर हैं, इनमें सेंसरों में कोई लेवल नहीं होता, इसे किसी भी तार से जोड़ सकते हैं, लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि जैसे जिस भी तार को आप सेंसर को आपने ग्रीन वायर से जोड़ा है उसे हमें बॉटम में प्लेस करना है। पानी का जो सबसे नीचा लेवल है जहाँ मतलब 25% जो पानी है वहाँ पर आपको इसे प्लेस करना होगा ग्रीन वाले वायर के साथ जुड़े हुए सेंसर को, और जिस सेंसर को आप R1 यानी कि रेड वायर के साथ जोड़ेंगे उसे सबसे नीचे बॉटम में प्लेस करना है रेफरेंस के लिए। तो इस तरह से दोस्तों केवल वायर के कनेक्शन होने के बाद आपको ध्यान रखना है, बाकी वायर के कनेक्शन करते समय आप किसी भी सेंसर का कनेक्शन किसी भी वायर से कर सकते हैं। जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो तीन सेंसर हैं इनमें से कोई भी सेंसर आप उठाएं और उसे ग्रीन वायर से जोड़ दें, जो कंट्रोलर से ग्रीन वायर आ रहा है उसमें जोड़ दें। तो इसके लिए पहले हम वायर स्ट्राइपर से इसका स्टार्टिंग का भाग छील लेते हैं, इसे अच्छी तरह से राउंड कर दें, आपस में स्ट्रेंड कर दें, और एक सेंसर उठाएं और इसके जो दोनों वायर होते हैं, दोनों जो टर्मिनल होते हैं, इन्हें थोड़ा सा लूज़ कर लें, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर जब हम वायर के कनेक्शन करेंगे तो इसमें आप लोग ध्यान रखें कि जो पहला वाला स्क्रू होता है ये केवल प्लास्टिक या इंसुलेशन को दबाने के लिए होता है, और दूसरा वाला जो वायर होता है ये वाला जो टर्मिनल होता है यहाँ पर केवल ये जो इंसुलेशन, ये जो कंडक्टर है ये लगा होता है, ठीक है। तो इसे लगा दें और ध्यान रखें दूसरा वाला जो वायर है इंसुलेशन पे टच होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों को आपको कस दें अच्छी तरह से,
तरह से इसे टाइट कर दें, ये वाला भाग भी टाइट कर दें। इन दोनों को अच्छी तरह से हमें टाइट कर देना है। इसके पश्चात अगला वायर लें, इसके भी दो भागों को छील दें और जैसा हमने पहला बताया है उसी तरह से दोनों सेंसर को भी आप लोग इंस्टॉल कर दें। दोस्तों देखिए, इसमें हमने जो सेंसर हैं इनको सपोर्ट के लिए इस एक छड़ी के सहायता से इसे सपोर्ट दिया हुआ है। तो ऐसी कोई डंडी या कोई भी आप वस्तु लंबी लंबाई में जो स्केल वगैरह कुछ भी ऐसा आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो आपके ड्रम के साइज़ की हो। और जो वायर हैं इन्हें जो ओवरफ्लो पाइप होता है उसके थ्रू आप ले जा सकते हैं ताकि जो ढक्कन है उसका आप बंद कर सकें। आप चूँकि हमें केवल डेमो बताना है इसीलिए हम इसे डायरेक्ट ऊपर से ले जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये रेफरेंस के लिए है, नीचे सबसे नीचे हमने ये सेंसर लगाया है, उसके बाद G1 वाला लगाया है और सबसे आखिरी में हमने ये B1 वाला सेंसर लगाया है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए हमने ये टंकी में डुबाया है, यदि मान लीजिए यहाँ पर, तो जैसे ही ये ग्रीन लेवल के नीचे यहाँ पर पानी जाएगा तो हमारी मोटर जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और पानी बढ़ते बढ़ते जैसे ही इस ब्लैक लेवल पर आएगा, B1 पर आएगा, तो मोटर जो है वह ऑफ हो जाती है। तो दोस्तों आइए हम इसे डराकी में इंस्टॉल कर देते हैं। दोस्तों इसको हमने टंकी में इंस्टॉल कर चुके हैं। आइए दोस्तों, अब कंट्रोलर के कनेक्शन करने के बाद और सेंसर को टंकी में या टैंक में इंस्टॉल करने के बाद अब हम इसकी थोड़ी सी वर्किंग समझेंगे। यहाँ पर देखेंगे किस तरह से ये हमें इसे ऑन ऑफ करना है। तो देखें दोस्तों, जैसे ही हम सबसे पहले अब इसका पावर ऑन कर देते हैं। अब पावर ऑन करने के बाद दोस्तों देखिए, चूंकि ये ऑटो मोड पर है, ऑटो मोड मतलब कि ये अपने आप बंद चालू होता है। अब यहाँ आप इसमें लेवल देखें, ये G1 दिखा रहा होगा आपको, G1 वाला LED जो है वो ऑन है। इसका मतलब होता है जो G1 वाला सेंसर है, यानी कि जो बॉटम वाला सेंसर है हमारा, जहाँ पर मोटर स्टार्ट करना है वहां से पानी ऊपर है। अब वहां से पानी ऊपर है, इस वजह से ये स्टार्ट हमारा अभी ऑन नहीं होगा, ये जो मोटर है अभी ऑन नहीं होगी। जैसे ही G1 के नीचे पानी जाएगा वैसे ही मोटर ऑन हो जाएगी। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि नल आपका एक पर्टिकुलर समय पर आता है, तो यदि ऐसी स्थिति में आप चाहते हैं इसको ऑन करना, तो आपको इसको मैनुअल पे करना पड़ेगा। वो मैनुअल पे जैसे ही करेंगे वैसे ही मोटर आपकी ऑन हो जाएगी। तो इसे हम मैनुअल कर देते हैं, वो देखते हैं मोटर ऑन होती है नहीं होती है। देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने इसे ऑन किया, मैनुअल पे किया, वैसे ही मोटर ऑन हो गई थी और ये ग्रीन वाला LED जो है मोटर ऑन वाला ये आपको नजर आने लगा होगा। क्योंकि यहाँ तो मोटर हमारी यहीं स्टार्ट थी तो हमें पता चल गया मोटर ऑन है, लेकिन यदि जैसे सबमर्सिबल वगैरह है तो आप ये ग्रीन LED देख करके पता लगा सकते हैं। इसे सबसे पहले हम लोग यहाँ से सप्लाई को ऑन कर देंगे। ऑन करने के पश्चात दोस्तों, जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो लेवल इंडिकेटर है ये B1 और G1 वाले दोनों ऑन है। इसका मतलब है कि टैंक हमारा पूरी तरह से फुली जो है फिल्ड है, पूरी तरह से टैंक में पानी है। अब इसके बाद दोस्तों इसे आप लोग ऑटो पे कर दें। आप लोग चाहते हैं कि मोटर ऑटोमेटिकली बंद चालू हो तो इसे हम लोग ऑटो मोड पर डाल देते हैं। यह ऑटो मोड पर हो गया है। और दोस्तों टंकी को खाली करने के लिए हम लोग, चूंकि हम अभी टंकी को खाली करके आपको बताएंगे, तो खाली करने के लिए हम ये यहाँ से टंकी का कनेक्शन इस नल में है, तो यहाँ से हम नल का कनेक्शन कर देते हैं। आप देखेंगे ये पानी खाली हो रहा है। तो जैसे ही पानी ये G1 के नीचे आएगा, G1 के नीचे ही आते ही आप देखेंगे कि मोटर अपने आप ऑन हो जाएगी, ठीक है। जब तक G1 से नीचे पानी नहीं आता है तब तक मोटर ऑफ रहेगी। दोस्तों देखें, अभी तक लेवल जो है वो B1 के ऊपर ही बना हुआ है पानी का, जैसे कि आप बगल वाले वीडियो में जो साइड वाला वीडियो है उसमें देख रहे होंगे कि पानी जो है वो B1 सेंसर के ऊपर नज़र आ रहा है
अभी भी B1 जो है वहाँ ऑन है, ठीक है। जैसे ही B1 पूरी तरह से B1 पर से पानी उतर जाएगा, पानी का लेवल B1 से कम होगा, तो ये B1 वाला हमारा सेंसर LED इंडिकेटर है वहाँ ऑफ हो जाएगा। दोस्तों देखें आप यहाँ पर पानी चूंकि B1 से नीचे जा चुका है, जो सेंसर B1 आप टैंक में देखें तो उससे पानी नीचे जा चुका है, इसके लिए तो B1 वाला LED ऑफ हो चुका है। तो दोस्तों देखें आप, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा, अब जैसे ही ये लेवल G1 के नीचे जाता है पानी का, तो ये LED बंद हो जाएगा और साथ ही साथ मोटर जो है वहाँ ऑन हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए, जैसे ही पानी का लेवल जीवन से नीचे गया, वैसे ही ये मोटर जो है हमारी ऑन हो गई और मोटर ऑन का जो ग्रीन जो LED था वह चालू हो गया। तो इस तरह दोस्तों ये हमारा WFC जो है वाटर लेवल कंट्रोलर, ये टैंक के वाटर लेवल को कंट्रोल कर सकता है और मोटर को ऑटोमेटिकली ये ऑन ऑफ कर सकता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, और यदि आप यह प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जहां से जाकर के आप इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। और यदि आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दी गई है, वहाँ से जाकर के आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।